भोलेनाथ जब चाहेंगे तभी मंदिर का निर्माण होगा। पहली बार ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए आया हूं। प्रभु से बस शीघ्र मंदिर निर्माण और केंद्र में दोबारा भारी मतों से भाजपा को दोबारा सरकार बनाने की अर्जी लगाई है। ये बात श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पधारे हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही। श्री मौर्य ने कहा कि वे पहली बार ओंकारेश्वर आए हैं। यहाँ आने के मन काफी पहले से ही था, लेकिन बिना शिव की इच्छा के यहाँ आना मुश्किल है। मन की जो इच्छा थी वह आज पूरी हुई। ओंकारेश्वर में ओंकार जी महाराज ममलेश्वर के दर्शनों का लाभ मिला। अब दोबारा परिवार सहित ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन करने आऊंगा। तहसीलदार उदय मंडलोई ने उप मुख्यमंत्री की अगवानी की। साथ ही मंदिर संस्थान की ओर से श्री मौर्य को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। पूजन एवं अभिषेक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया। और 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से बड़ी विजय दे करके देश को मजबूत बनाने के लिए लगातार अयोध्या मंदिर को बनाने की मांग चल रही है। राम जी का मंदिर आखिर कब बनेगा? जब भगवान भोलेनाथ जी चाहेंगे।